तो उठा के रख दिला पार्टी। हम कुछ कहनी मान ले रहनी ना तुहार बात। अब अगर हम कोनो डिसीजन ले रहल बानी तो तू हमार बात काहे ना मान रहल बाड़ा। यार हम तुहार दोस्त बानी, कोनो रॉबिन ना बानी कि जे तू कहबा वो पत्थर की लकीर हो जाई। सीरियसली यार तू तो हमके नौकर ही बना के रख दिला। और अपनी फैमिली के बिना एंगेजमेंट कैसे कर सकेली? भाई हम कब कहनी फैमिली के बिना एंगेजमेंट होगी? ऑफ कोर्स फैमिली होगी यहाँ पर, और तभी तो एंगेजमेंट फंक्शन हुई। पूरब के फैमिली वाला आज रात के ही मुंबई आ रहल बड़े। लेकिन दादी अगर ओकरा केहू बताउले भी होकर तो ओकरा टिकट कैसे मिलल? हम 5-5 एजेंट से बात करके ही बात बोले ले रही कि कल के पूरा फ्लाइट बुक बा। तब फिर केवन एजेंट से टिकट करा ले ले। ओकरा के टिकट मिलल कैसे? का भाई? सब लोग सोच रहल हो किए कि आलिया के कैसे पता चला हमनी के प्लान के बारे में, राइट? कमाल करेले आप लोग। अगर ये सब सोच के अपन नींद गवावत रहे तो आके हमसे पूछ लेती, हम बता देती ना। वी आर फैमिली गाइस, हम आप लोग के सब कुछ बता देती। और वैसे भी हमके वो प्लान बताए बहुत अच्छा लगेला जे कामयाब हो जाला। का तनु? अरे दादी ऐसे का देख रहल बानी, आप खुद आ जाती तो हम आपके सब कुछ बता देती। आप तो जाने ली कि हम आपके सब कुछ सच बतावे नी, आपसे बिल्कुल भी झूठ ना बोले नी। आई स्वेर। देख रहल बाड़ो तनु, ह्यूमन नेचर इज वेरी वियर्ड। हार गईल बाड़े लेकिन ईगो ना गईल बा केहू के। पूछे चाहत बाड़े लेकिन केहू पूछ ही ना रहा। बट नेवर माइंड, आप लोग ना पूछा तो का भाई हम बता दे। आई रियली डोंट माइंड। सो बेसिकली आप लोग जो दिमाग के घोड़ा दौड़ा रहल बानी कि आलिया के हमनी के प्लान कैसे पता चलल, वो कुछ ऐसा हमके पता चल गए रहे कि पूरब अपन फैमिली के बहाना बना के एंगेजमेंट रोके वाला बा। एंड आई नो आप लोग सोच रहल बानी कि ये भइल कैसे। आई नो पूरब की तू चेक भी कैले रहल कि टिकट अवेलेबल बाकी ना, फिर कैसे हो गई? होके के तो रहे ना, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व। कहा ना स्वीटर, जब तू सुबह से यहाँ के इधर उधर घूमत रहला ना तो हमार जासूस तारे आगे पीछे रहे, और जैसे ही उनके पता चलल कि तू ही फैमिली वाला बहाना बना के एंगेजमेंट रोके की कोशिश करब तो वो हमके बता दे ले। और जैसे ही वो हमके बताई ले तब हम अपन दिमाग लगैनी और हम उहे कहनी जो हमके करे के चाहत रहे, समथिंग दैट आई एम बेस्ट इन। हेलो हेलो मिस्टर लोटलेकर, आलिया मेहरा बोल रही बानी। हाँ जी मैम, बताई आप हमके किसे याद करनी? बस कुछ काम रहल देहरादून से, 4 बुकिंग चाहत रहल और फ्लाइट्स के 4 कंफर्म टिकट्स, दैट्स ऑल। ओके मैम, हम ऑफिस ही जा रहल बानी, हम चेक करके बता देनी आपके। चेक करे की जरूरत ना बा, हम ही आपके बता देता नी टिकट अवेलेबल ना बा, लेकिन फिर भी हमके ई बुकिंग कंफर्म ही चाहिए। पर मैम ये कैसे हो सकेला? और वैसे भी आपके पता हो कि वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। हम आपसे वहाँ के खबर ना मांगनी है, हम सिर्फ बुकिंग मांगनी है। और कहा ना बेटर रही कि आप हमसे एक्सक्यूज ना दी, बुकिंग दी। पर हम कैसे अरेंज करें मैम? वो सब हम ना जानी ले, बस हम इतना जानी ले कि हमके ये बुकिंग्स चाहिए। चाहे आप तो 4 पैसेंजर्स की बुकिंग कैंसिल कई के हमके ये 4 पैसेंजर कंफर्म करा दे या फिर कोनो और फ्लाइट ले लेगा, हमके कोनो फर्क ना पड़े। लेकिन हाँ, अगर ये बुकिंग ना भए तो याद ना जब भाई हाँ इवेंट खातिर आयल रहले तब आपसे थोड़ा गड़बड़ हो गए रहे। आ जावे तो कहीं आपके ऊपर केस ना हो जावे। बट मैम इतना सा गलती खातिर केस? ना 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 ना, गलती हो ना रहे, गलती ई हो कि अगर आप बुकिंग ना करिए। सो प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, टाइम भी निकल जा रहा है। ऑलराइट, 4 बुकिंग कंफर्म, देहरादून टू मुंबई आज रात। थैंक यू। सो तू दोनों के पास सिर्फ एक ही दिन रहे एंगेजमेंट रोके खातिर जी की पूरा हो गए, तब का करब? ओ वेट, एगो रास्ता बा, तू दोनों एंगेजमेंट कर ला। कहा ना
तू दोनों ही एंगेजमेंट कर ले तो सब कुछ सही हो जाए, जैसन हमनी चाहत बानी सब कुछ वैसन हो जाए। काहे कि एकरे अलावा और कोनो रास्ता भी ना बना। काहे कि रीजन तो भाई बानी। आई नो कि भाई बहुत मॉडर्न लागे ले, लेकिन बाड़े बहुत कंजर्वेटिव जब रिश्ता के मामला आवेला। का दादी बिल्कुल आपके ऊपर गई बाड़े। कहा ना जब उनके लगे कि पूरब और प्रज्ञा के शादी होखे वाला बा, वो एक दूसरा के खातिर बन ले बाड़े, तब कबो भी तहरा उ नजरिया से ना देखे वाला बानी। काहे कि उनके नजर में तू उनकर भाभी लगबू। प्रज्ञा का भाई कुछ ना कर पाई, सगाई ना रोक पाई, पर पूरब तक कहले रहला कि माँ कोशिश कैला और काफी हद तक वो कामयाब भी हो गल रहे। वो जब कहलक कि सगाई ना हो सकत तो बहुत गुस्सा हो गई ले, पूरब के बहुत सुनाई ले भी। लेकिन जब पूरब अपन अपन परिवार के ना आवे की वजह बताइलक तो मान भी गल रहे, सब कुछ ठीक चलत रहे, पर पता ना आलिया अलिया कैसे पूरब के पूरा परिवार के टिकट करवा ले रहे और उनके बुला रहा बिया यहाँ पे। इस सब जलना के बाद पूरब के पास कौनो सवाल के जवाब ही ना रहल। अच्छा ठीक बा, जे कुछ भी बा हमने आराम से बैठ के बात करब, तू घबरा मत, चला आराम से बैठा बैठा। हमके ई बतावा कि तू इतना मायूस काहे नजर आ रहल बिया। का सोचत रहनी और का हो रहल बा मां? का हो रहल बा? कुछ भी तो बुरा ना भइल, जब हमके तोरा पे विश्वास बा तो तोके अपने आप पे विश्वास काहे ना बा? भरोसा बा मां, लेकिन अब टूट रहल बा। जब हम देख रहल बानी कि सब कुछ हमरे सामने हो रहल बा और हम जानत बानी कि जो हो रहल बा वो गलत बा, लेकिन अब रोकी ना पा रहल। अब हमके बताए कि कल आलिया और तनु के चल कामयाब हो गल, हम का कर ले? अगर तोके अपना प्यार पर विश्वास बा तबर हिम्मत काहे हार रहल बाड़ू? प्रज्ञा हमके बहुत उम्मीद बा तोरा पे। हम भी आपके उम्मीद पे खरा उतरी चाहतानी, लेकिन हमार उम्मीद रोज खुश बन के टूट जाले। आज भी माँ हम पूरा दिन इनके साथ बिताई, वो शॉपिंग ला ले गई ले और वहाँ हमके बार बार एहसास दिलावले कि वो उनके मन में हमरा ला अब भी प्यार बा, बस उनके उ बात के एहसास ना हो। हर रोज यही उम्मीद से वो घर में जाए लेकिन उनकर याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन ना आवत ना बाबा। और माँ हम भी तो इंसान बानी ना, हर रोज आपन सपना टूटत देख अब तो बुरा ना लागी का? प्रज्ञा तो के एक बात तो याद बाना कि तू ओकर पत्नी बाड़ू और एगो पत्नी होके के नाते तो हर कुछ धर्म बनेला। कितना कोशिश कई लगना आलिया ओ तनु और निखिल तू दोनों के अलग करे खातिर, लेकिन तो के अलग ना कर पाई ले। लेकिन तू हमेशा खड़ा रहा ढाल बनके अभी के साथे, कौनो भी गलत चीज अभी तक पहुँचे ही ना देलू। कहे कि ये तोहार धर्म बा, तू अभी से इतना प्यार करेलू, भगवान बना के भेज ले बाड़े तोहारी रिश्ता के, केहू कुछ भी कर लेवे, तू दोनों के अलग करिए ना सकत। लेकिन माँ का लेकिन मुश्किल बा, लेकिन नामुमकिन दा नहीं के। इतना विश्वास करे नहीं हम तोहरा पे, तो के अपना आप पर विश्वास काहे ना बा? बचपन में रामायण पढ़ ले बिया ना, तो रामायण के पाठ भूल गई लू? सीता जी तो याद बाई ना था के? सीता जी भी 14 बरस के वनवास कट ले रहनी, सिर्फ यही खातिर कहे कि वो अपन पति के साथ रहे चाहत रहनी। तरह तरह बहुत सब परीक्षा से गुजरनी, हर परीक्षा में वो अपन पति के साथ खड़ा रहनी। अरे वापस लौटने के बाद भी अग्नि परीक्षा दे ले बानी हूँ, और तू तो अकेला भी ना बाड़ू सीता जी की तरह, तेरे साथ तो हम बानी, तुहार पूरा परिवार खड़ा बा, फिर तू इतना काहे घबरा रहल बाड़ू? हमके बहुत नाज बा बेटा तोरा पे, तुहार हिम्मत पे कि तू कबो कौनो चीज में हारिए ना सकत। लेकिन अगर ऐसे तू मायूस हो जाएबू ना तो हारे से पहले ही हार जाएबू। भगवान ना करे अगर कल तू अपन सगाई ना रोक पैलू तो इतना याद रखिया कि तुहार माँ अभी जिंदा बिया, हम तोहके और अभी के कबो अलग होके ना देव। तू तो हमार हिम्मती बच्ची बिया ना,
मायूस ना होकर जात, हिम्मत रखल जाला हिम्मत, और अभी तो समय बचल बा, तू कुछ भी कर सकेलू। चल अब फटाफट सुत जा, बहुत सारा हिम्मत बढ़ोरे के बा, कल कुछ ऐसन करे के बा चौने से ही सगाई रुक जावे। चलो हम खुद अपन हाथ से सिता के जाए, करना तो सुदबू ना। चला सपना देखत रहे, वो हमरा बारे में का सोच लिए और हम का सोचत रहे, वो हम के अपन दोस्त माने लिए और हम हमारे इतना रिस्पेक्ट करे लिए और हम के भी ओकर फीलिंग के रिस्पेक्ट करे के चाहिए। वो पूरब के फियान से ही ये सब सोचल बंद कर देवे के चाहिए हमरा के। हमके होत का बा, कहां हमके इसे बार बार ख्याल आवेला और हमके इतना घबराहट काहे हो रहल बा, ऐसे जैसे कौनो आपन बहुत दूर जा रहल बा हमरा से। हमार बेस्ट फ्रेंड के सगाई हमार बेस्ट फ्रेंड से हो रहल बा, तब हमके खुशी काहे ना होत बा। अभी अभी का भेल, तू ठीक बाड़ा ना? तोहर आवाज सुनी हम, तुमके बुलावत रहल ना? नाउ हम फुक पता ना कहे हमके ऐसा लागत बा जैसे हमार कोनो अपन हमसे छोड़ के हमरा से बहुत दूर जाए वाला बा। के अभी हम तो तेरे पास ही बानी, और हमके ऐसा कहे लग रहा कि तू बहुत ज्यादा परेशान बा। हम एगो काम करता नहीं, हम आज रात खाते रह जाए तेरे पास सुत जाता नहीं, तो क्या अकेलापन भी फील ना हो। ये तू का बोला तारू, हमने एक साथ कैसे सुत सकेली? अब एक साथ ना सुत सकेली, आई नो हम सोफा पे सुत जाए। तनु हमने एक कमरे में कैसे सुत सकेली, हमने के शादी तक ना भइल बा। अभी तो इतना बड़ा रॉकस्टार बड़ा और ऐसे सोच रखला। तनु हमार ना हमार दादी के सोच बा, अगर उनके पता चली तो वो का सोची है। ओके फाइन, हम दादी से पूछ के आवता नहीं। हाँ पूछ, ओकरा बाद ही कमरे में का दादी तरह ही घर में ना सुते दी है। ओके हम थोड़ा देर खातिर तोरे पास रुक जाता है। तनु तू समझत का है नहीं, हम कहानी ना कि हम ठीक बानी, हमके केहू के जरूरत नहीं है। ओके ओके अभी तू गुस्सा मत हो, हम जाता नहीं, फिर भी कोनो चीज के जरूरत पड़े तो प्लीज हमके फोन कर लिया। गुड नाइट। गुड नाइट। नीचे उतरा, हम बतावत बानी कैसे करे के बा। अरे नीचे, अच्छा भाई तू आ गए पूरा, हमार थोड़ा हेल्प कर भाई डेकोरेशन करे में। After all, तहार एंगेजमेंट बा, तो तहार एंगेजमेंट में तू हमार थोड़ा मदद कर ही सकेला। Come on, पूरा हेल्प मी आउट हियर। अरे हमरा लाना तो कम से कम प्रज्ञा खातिर ही कर दे। देखा तारा तू पूरा सारा काम जोन बा आलिया खुदे करा तारी, केहू के हेल्प नहीं खेले तो हमार भी नहीं खे। तू एक काम कर, तू ही हेल्प कर दे। हाँ हम जाते रहेंगे। खड़ा बजा अब पूरब, हाँ दी ना तनी ई आओ सॉरी। एगो काम करे ना, उधर से आ जा बना तो शायद बेटर सपोर्ट मिले। प्लीज ओके Alright. एके ना वहां पे पकड़िए।
पता बा पूरब, हमके लागत बा के आली अब भी तरह के लाइक करे ली और ओकरा तोहरा जैसन लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर तोहर शादी प्रज्ञा से ना होता तो हम आलिया के साथ है। But I am happy for you. तोहरा आलिया से बेटर लड़की मिलेल भी आ। Excuse me? What do you mean by better लड़की? आलिया हमार मतलब है कि तू अच्छा बाड़ो, बहुत अच्छा बाड़ो। In fact तू सबसे बेस्ट बाड़ो। लेकिन प्रॉब्लम ये बा कि तू तनी जिद्दी बाड़ो ना। प्रज्ञा जिद्दी नहीं खेई खातिर हम ही कहनी। हमके बात में बिजी मत कर, हमके और भी बहुत सारा काम करे के बा। हाँ? Finish it fast, guys. आराम से टूट जाता टूट जाता टूट जात। एंड आई विश ऐसे पहले तोहार सपना और तोहार घमंड दोनों टूट जाए ताकि तू प्रज्ञा दी और अभी के कबो अलग ना कर पाओ। स्वीट हार्ट, ए वक्त हमके लगे था कि तू कोनो बुरा सपना देख रहल बाड़, लेकिन हमार जे सपना रहे उतज पूरा होखे वाला बा। और तोके क्या लागत बा हम डेकोरेशन करल बानी? नो 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 नो, ई सब डेकोरेशन ना है स्वीट हार्ट। ई त जे हमार सपना पूरा हो रहल बा ना, एक तरीका से समझ ला कि उस सपना के हम फूल के से सजा रहल बानी। दैट्स ऑल। फूल से तो मैयत भी सजावल जाले और तू भी उहे कर रहल बाड़ू, काहे कि तोहार जे सपना टूट चुकल बा उस सपना के खत्म होके के तू माता मना रहल बाड़ू। स्वीट हार्ट, आई थिंक तोके भी चश्मा पहन लेवे के चाही, तोके भी क्लियरली चीज नजर ना आ रहल बा। हम ही सो कॉल्ड मैयत या व्हाटएवर कोनो दुख के वजह से ना कर रहल बानी। कहा ना, ऑल दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ माय हैप्पीनेस। हम बहुत खुश बानी और इतना खुश बानी कि देखा ना, तू बहुत अच्छा से जानत बाड़ा कि हम तहरे साथ गलत कर रहल बानी, पर फिर भी तू कुछ ना कर सकत। तहार गुस्सा से चल जाइब ना, तहार गुस्सा में कुछ बोल जाइब हमके बहुत पसंद बा पूरा। मतलब हमके तहार गुस्सा बिल्कुल अपनी जैसन लागे ना। But don't worry sweet heart, ई इंगेजमेंट ते एगो तरीका बा प्रज्ञा के भाई से दूर करे के। आखिर में ता हम दोनों ही एक होखे वाला बनी। सगाई तहार प्रज्ञा से होखी, पर तोके सिर्फ और सिर्फ हम ही पाई। आज ना ता कल, कल ना ता परसों, तू सिर्फ और सिर्फ हमार होखे वाला बा। माँ कॉफी? तोहार अदरक कद्दूकस वाला चाय ना बाज। हमके लागल कि आज तोरा के कॉफी के जरूरत बा। ऐसे मत देख, ऐसे पहले भी दो बार तोके कॉफी के जरूरत पड़ल भी आना, यही खातिर कॉफी। तू 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 तो कहले रहल कि तोके काम बा वहां अभी के यहाँ, तू तैयार ना भइल? काम तो बा मालिकिन, आलिया और तनु की चाल के अगेंस्ट हमरे पास कोनो जवाब ही ना। समझ ना आ रहल बा कैसे जाई उ घर में। प्रज्ञा, हम तो कल रात के समझेली रहनी ना बेटा, और तू तो हमार इतना हिम्मत ही बच्ची बाड़ू, तू ऐसे कैसे हिम्मत हार सकेलू? तू देर रात के एकरा से बाड़ू, अपना आप से, अभी से, या फिर आलिया और तनु से? हम केहू से ना डेराइले माँ, लेकिन आज कोनो रास्ता ना नजर आ रहल बा। बेटा, रास्ता तो तबे दिखाई दे ना जब तू वहाँ जाके ओकर सामना करबू। अरे अगर तू वहाँ जइबू ही ना तो के कैसे पता चले कि तोके अपन सगाई पूरब के साथ कैसे रोके के बा? यहाँ बैठे बैठे तो सब कुछ ठीक ना हो जाई ना। अब तो से कहले बानी ना हम, अगर कुछ ठीक ना होखी तो हर माँ बिया तो हर परिवार बा कुछ भी गलत ना होखी, लेकिन कोशिश तो तोके ही करे के बा ना बेटा। चल अब तू फटाफट तैयार हो जा और हम तोहरा खाते नाश्ता लेके आवा दानी। हमार बच्चा बहादुर बच्चा। माँ, आज हमसे कोनो गलती हो जावे तो माफ कर दे। जा जा जाके तैयार हो जा, हम तोरा खाते नाश्ता लेके आवा दानी। अरे तू इका पहले आ जा, आवा हमरे साथ। यहाँ पे लगावे क्या? वहाँ पे ना। और ये इस तरीका से लगावे का ताकि जले, ये बार बार बीच में बुझ जाले। प्लीज मेक श्योर कि सब कुछ अच्छा से हो, प्रॉपर हो। और ये पर्दा ओके यहाँ से निकाला और ओइजा लगावा। प्रज्ञा,
ऐसे दबल पाओ कहाँ जा रहा बाड़ू तू? अरे तुहारी घर में एंगेजमेंट बा, कोर्ट कचहरी ना लगल हा, जैसे चोरी छिपे डरल सहमल जा रहा बा। पर चलो कौनो बात ना, तू आ तो गई ला, हम तरे वेट कर रहा बानी। देखा सारा तैयारी तो हो गए पर एक चीज खातिर तुहार हेल्प चाहिए। एक्चुअली अभी बता बता ना, वैसे हम सोचे तानी कि वहाँ सेंटर में तोहार और पूरब के नाम के बोर्ड लगवाए, इंगेजमेंट पार्टी ऑफ पूरब एंड प्रज्ञा। लेकिन एक कंफ्यूजन बा, हमके कलर समझ में ना आ रहा कि कौन से लगाए, रेड एंड गोल्डन या ब्लैक एंड सिल्वर। वैसे यू नो व्हाट, तोहार और पूरब के नाम खुद में इतना अच्छा लगे कि उनमें कलर हो या ना तो भी अच्छा लगे वाला। फंक्शन मेहरा हाउस में हो रहा है तो हर एक चीज डेकोरेटेड होके चाहिए, तो के का अच्छा लगेला का ना वो मैटर ना करे। पर फंक्शन का है कि मेहरा हाउस में है तो ओकर हैसियत के हिसाब से है। अब जैसे कि तो के अभी अच्छा लगेला तो के अभी तक दे ना सकेली हमने। इंसान के चीज ओकर हैसियत के हिसाब से मिलेला, जैसे तोके और तोहर फैमिली के पूरब मिलल बा, जे बार बार तोहरे ही घर के दामाद बनेला, पहले बुलबुल के साथ और फिर तोहरे साथ। ओके चला, आज के दिन झगड़ा ना करल जाओ, आज तोहर फेयरवेल जेबा। तो तू हमके पहले ई बतावा कि कौन से कलर ज्यादा अच्छा लगे, रेड एंड गोल्डन या ब्लैक एंड सिल्वर। का भाई तो के कौनो भी कलर पसंद ना बा? तो के का पसंद है या का ना पसंद है उसे हमके कौनो फर्क ना पड़ेला, क्योंकि हमनी के का पसंद है यहाँ पे वो मैटर करेला। इस सारा डेकोरेशन सारा प्रिपरेशन तो हर एंगेजमेंट ला ना, ये सब कुछ यही ला ताकि हमनी अपन जीत के जश्न मना सकी। अब तो के तो पता ही है कि आली और हम कितना मेहनत करनी हो, तो जीते खातिर इतना मेहनत करनी है तो जीते के जश्न मनावे खातिर थोड़ा मेहनत तो करे के पड़ेला ना। चलो हम तो के बता बता नहीं कि काका सोचनी कैसे तैयारी करनी। वो देखा वहाँ पूरब तोहर हाथ पकड़ के तोहके लेके जाए और तोहर उंगली में अंगूठी पहनाई, और अभी और हम यहाँ खड़ा रह के हाथ पकड़ के तू दोनों के कॉन्ग्रेचुलेट करो। यहाँ पे पूरब और तोहर फैमिली खड़ा होके हंसते मुस्कुराते फैमिली पिक्चर्स निकलवाई। आई नो वो अंदर से खुश ना होके अंदर से रोना आवत होके, पर का करल जाओ, दुनिया वालन के सामने तो ये दिखावे क्या ना क्यों कितना खुश बाड़े। वैसे यू नो एक एल्बम हमू रखे वाला बानी ताकि जिंदगी में अगर कभी दुखी फील करी तो पिक्चर्स देख के हम खुश हो जाए। अब तो तू जाने लो कि आलिया और हम कितना मेहनत करनी हो तो के रुलावे में और खुद के हंसावे में। और आज की रात तोरेला टॉर्चर की रात होगी। वैसे कोई सही कहलक केवला सजा हो खेला तो केवला मजा। कमाल की बात है प्रज्ञा, हम तो कि इतना सब कुछ दिखाऊनी प्यार से सब कुछ बताऊनी तू बड़ा के कुछ बोलते नहीं थे, तनी सा अप्रिशिएट ही कर ला। फुगी अरे कितना टाइम लगा तारा, साड़ी चढ़ा तारा का, तू यहाँ का कर तारू तैयार हो के एक ही बार शाम के आ जाए के चाहते है ना, और जानकी माँ दादी सरला आंटी का हमारी वो लोग शाम के आई है, हम आपके काम से एल्बम या आपकी मीटिंग्स और रिहर्सल से संजीबा। तू पागल हो गई बड़ू, नॉर्मल डे पे लोग इतना एक्स्ट्रा काम ना करेले, तू सगाई के दिन काम करता रहो, आज के सारा मीटिंग्स कैंसिल कर दा और शाम के सिर्फ सगाई के पार्टी होगी। और अब तो आ ही गई बड़ू तब एजे आराम कर लिया ना तो शाम तक थक जाएगी। देखा ना अभी हम प्रज्ञा के कब से यह समझावत बानी, आज शाम के दो गो प्यार करे वालन एक होके वाले, हम तब बहुत खुश बने और बहुत इंजॉय करे वाला बने। अब हमके को काम याद आ गई, हम काम करके आ बता नहीं तो दोनों बात करो। ओके
प्रज्ञा, हम तो के कहल भूल गए। जब तू तैयार हो जाब ना तो प्लीज हम के बुला लिया, हम आज तो के अपन हाथ से तैयार करब। ठीक के, सी यू लेटर। अभी एकर ध्यान रखिए, आज इंगेजमेंट बाना एकर। पूरब आयल रहे का यहाँ? हाँ, अभी आलिया के साथ ही रहे, शायद दादी से मिले उनकर कमरा में गई बा। हाँ, मुझसे मिल के आवता न। काहे ना समझ पा रहल बानी कि हम सिर्फ अकेला बनल बानी, काहे ना देख पा रहल हमारे आंख में हमारे दिल में सिर्फ आप बानी। काहे ना हम बीमार पड़ जाई, बीमार रहब तो सगाई कैसे होगी? हाँ, ई सही है। का बहाना बनेबा पेट दर्द के? दासी, स्कूल का बहाना ना हो, बड़ी बात बा, कुछ बड़ा सोचे के पड़ी। हमें को काम करता नहीं, हम नीचे जाके ना बेहोश होके की एक्टिंग करता नहीं, और फिर केहू के उठाईले से उठा भी ना, फिर अभी आई हमके हॉस्पिटल ले जाई, और जब हम हॉस्पिटलाइज हो जाए तो सगाई कैसे होगी फिर? हाँ हाँ, जैसे आलिया और तनु तो कुछ ना करी है, है ना? चुपचाप अपन प्लान के फ्लॉप हो देखत रही है। अरे सुना हमार बात, ऊ तोहरे आँख के एक मिनट भी बंद ना होके दे है, पानी के छीटा ना बाल्टी भर के पानी तोहार मुंह पे मरी है, और फिर हम देखब कि तू आँख बंद करे की एक्टिंग कब तक कर ले। दादी आप ओकरा टेंशन ही मतलब, हम आँख ना खोलब मतलब ना खोलब। फिर भी ऊ बंद आँख में ही तोहार सगाई कर दे है, और हॉस्पिटल में ही तो हर उंगली में ही ना अंगूठी पहनवा ही दही है, कुछ और सोचा? एको काम करल जाए का? चाचा के बीमार कर देता नहीं। हाँ, यो भी सही बा, वैसे भी उनका उम्र हो गई बा, एक आध बीमारी तो उनके होके ही है। अरे रहेदा रहेदा, आपन फैमिली के बीच में मत ले आवा, कल तुझे फैमिली के लेके ड्रामा कर ले रहल ना, उसे अभी के कुछ कुछ शक हो गई बा। वैसे भी अगर तू अभी के भूली जा तई आलिया और तनु केहू के यकीन ना होके दे हैं। हाँ, एगो काम कर, हम कह दे बोकरा से कि हमार हार्ट में ब्लॉकेज हो गई बा। लिवर बोली है? लिवर? हाँ लिवर, हमार अंदर से लिवर डैमेज हो गई बा, हम ही बोल दे। हाँ, ये ठीक है। अरे बंद करा आपनी ओपीडी, ये बीमारी वो बीमारी मनहूस बात करे जा रहा बाड़ा। अरे कौनो अकल के बात कर ला। का भइल तोहरा के, कौनो बात भइल हा? आज होके वाला बा हुई के बारे में सोच के घबरा रहल बानी, कुछ समझ ना आ रहल बानी, का करी? बेटा तू तू यहाँ बैठा, देख बेटा हमनी इस सगाई रोके के पूरा पूरा कोशिश करब, पर फर्ज करा हमनी से कुछ हो ना पावत तो बेटा तू टेंशन काहे ले दिया। तू ई सोच कि तोहार शादी ऑलरेडी अभी के साथ हो ही गई बा, अरे ई सगाई वगाई के तक कौनो मायना है ना हा। अरे बेटा तू ई ना सोचा कि तोहार उंगली में अंगूठी के पहने ले बा, तोहार गला में मंगलसूत्र के पहने ले बा, तू ई देखा। हाँ दी, और अगर ये आलिया और तनु हमनी के जबरदस्ती एंगेजमेंट करा भी देत बाड़े तो हम दोनों कोनो मंगेतर थोड़ा ना हो जाए, रिश्ता तो यही रही ना जो हमनी दिल से मानी ले। इनके झूठ और फरेब से हमनी के रिश्ता बदले वाला ना हो, आप बस ई सोच लिया कि एगो भाई अपन बहन के एगो रिंग गिफ्ट कहलक, और आप भी हमके राखी समझ के अंगूठी पहना दी हा। पूरा तहार दिमाग ठीक बा, तू का कर रहल बा? हम भी जानत आनी कि एगो अंगूठी हमनी के रिश्ता ना बदल सकत, लेकिन जौन रस्म के हम इतना मानी ले आज अपन कन्वीनियंस के हिसाब से हम उनका ये अपमान कर दें, ये हमसे ना होगी। पूरा हमके ना फर्क पड़ेगा कि दुनिया हमारे बारे में का सोचे ले, हमारे दिल का करल बा उससे हमके फर्क पड़ेगा, और हमारे दिल में हमारे पति खातिर अब भी प्यार बा, और अभी हमारे दिल में उम्मीद बा कि हम उनके वापस पा सकें। इस सगाई आज कोनो हालत में ना होगी, ओकराला भले हमके कुछ भी करे के पड़ी। चाहे कुछ भी हो जावे लेकिन आज इंगेजमेंट होके ही रही, करे की तबाही
वरना इतना सारा अरेंजमेंट कैले का है बा। चाहे कुछ भी हो जावे, हमनी एंगेजमेंट करे की कोशिश कर रहल बानी त उ लोग भी कोशिश करिए कि उ एंगेजमेंट के रोक पाइए, लेकिन हमनी के ऐसा होखे ना देवे के बा। हमनी के बहुत अलर्ट रहे के बा। पार्टी बाय कर मतलब ई ना कि तू पार्टी करे लग जा, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट। कितना भी कोशिश करे लेकिन यू नो वी हैव टू मेक दिस हैपन गाइस। एहिला हम निखिल के यहाँ पे बुलाई नहीं, ताकि हम तीनों एक टाइम पे अलग अलग जगह रह के उन पे नजर रख सके। तीनों कौन? तीनों प्रज्ञा, पूरब और दादी। रहल बात डीजे, डेकोरेटर और हलवाई के, ता ओकरा खातिर तोरा आलिया कही ना, है ना? निखिल, तू पूरब पे नजर रखिए, कोशिश करिए कि तू ओकरे आसपास ही रहे। ओकर फिकर करे के जरूरत नहीं है, पूरब त साया बन के ओकर आसपास रही, लेकिन ओकरा पता भी ना लगी। तनु तू दादी के आसपास रहिया और हम प्रज्ञा पे नजर रखब। और हम केकरा पे नजर रखब? हाँ, मतलब आप सुन ही लेनी। अब का करी हमालिया, तू द हम के अच्छा तरह से जानी लो ना कि तू भी मतलब जहाँ के हूँ और के नजर और कान ना पहुँच पावेले, मतलब कोई ऊ बात के ख्याल भी ना रखेला ना, हम उस सब बात के ख्याल रख ले भी। अब देखा ना, मतलब नीचे पार्टी चल रहल बा और पता ना हमके काहे ऐसन लग रहल बा। हमार सिक्स सेंस हमके कहलक कि ऊपर कुछ ना कुछ खुफिया मीटिंग चल रहल बा। और देखा तू लोग यहाँ पे खिचड़ी पका रहल बा ना। अब आप यहाँ पे आ ही गइल बानी तो अपन ड्यूटी भी सुन ली। आप इंदुदासी के ऊपर नजर रखी, हम तीनों वो तीनों पर नजर रखब, और आप उनका ध्यान रखे कहीं वो अपन कौनो गेम ना चल देवे। तो जरा ध्यान दे कहे ना। थैंक यू सो मच। तू लोगन के पता बा, आज तक ना हम खुदे जासूस बन जात रहनी, खुदे केस अपना लेके आवत रहनी और खुदे वो केस के सॉल्व करत रहनी। आज तू हमके पहला बार कौनो ऑफिशियल केस दे लुहा। तू देखिया हम तहरे पास ऐसन खबर लेके आयब ना, ऐसन खबर लेके आयब ना, तू 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 हमरा पे प्राउड फील करबू। आज रात तक ये एंगेजमेंट होके ही रही। वो कहे लेना कि एंगेजमेंट के बाद जनरली शादी हो खेले, पर ई एंगेजमेंट के बाद शादी टूटी। कहे कि एक लव स्टोरी हमेशा हमेशा ला खत्म हो जाए। माँ चला ना। तू चुप रहा। आप बतावा का भइल? बतैलस कुछ पूरब? कुछ पता चले? उ तो कहत रहल कि बुलबुल के गैले के बाद हम केहू से शादी ना करब, और अब ओकर बहन से शादी। अरे शांत हो जा तू, चला। हमके भी कुछ समझ में ना रहल बा, पर हमरा ओकरा से बात करे के मौका ही नहीं मिलत। व्हाट डू यू मीन बाय मौका ही ना मिल रहल बा? वो वीआईपी बा जे मौका ढूंढ रहल बाड़ा। आप चाचा बानी ओकर, जा और बात करा ओकरा से। अरे वो गेस्ट के साथ बिजी बा, वो लोग से फ्री होके तब बाद में बात करब ना। अब गेस्ट के सामने तो ये सब बात नहीं कर सकत ना। Excuse me. चाचा जी। हाँ, खुश रहा। हाय भैया। हेलो अंकिता। ये सब का है पूरब? देहरादून से यहाँ तक यह सोच के आई नहीं कि पूरब के इतना जल्दी का रहे शादी का फैसला लेवे के, और यहाँ आके लड़की देख के हमने तो और हैरान हो गए नहीं। ये सब का चल रहा बा पूरब? चाचा जी वो हम ई तो बहुत गलत कहला पूरब। हमनी सगा चाचा चाची बानी, और तू सौतीला जैसन व्यवहार कर रहा बा हमनी के साथ। चाची जी आप हमारी बात तो सुनी। का सुनी? हमनी के अभी के कॉल आवेला और पता चलेला कि तू सगाई कर रहा बाड़ा। तू हमनी के एगो फोन तक ना कर सकत। और फिर वो आलिया बहुत बदतमीजी से बात करत रहल। हम कहनी कि हमनी के आवे में बहुत टाइम लगी। कहत रहल पूछ ना रहल बानी, बता रहल बानी टिकट हो गेल, सामान पैक कर और आ जा। ऐसे करेला कोई केहू के इनवाइट? हमके तो बहुत बुरा लगल। हमके तो कुछ समझ में ना रहल, अभी प्रज्ञा अभी के वाइफ बिया तो पूरब से शादी काहे कर रहल बिया? और सुना उनका डिवोर्स हो गई बाका? अरे डिवोर्स हो गई होके या ना हो गई होके, तोहरा ओसे ही शादी करे की क्या जरूरत रहे? वो इतना अचानक
तो कुछ बोल कहने रहल बड़ा, कुछ बोला? अरे आप लोग हमके कुछ बोले देव तबे ना हम बोलब। देखा, हम जानता नहीं आप लोगन के बुरा लगल हो और हैरानी भी भइल होगी, पर हमारे यकीन माना, जितना शॉकिंग की आपके ला बा उतना हमरा ला भी बा। मतलब तो के पता ही ना कि तुम्हारा एंगेजमेंट हो रहा बा? ना, एक्चुअली ये सब हम कैसे समझाएं आप लोगन के। देखा, आप लोग जान लें कि अभी के याददाश्त हो गए रहे और फिर वो आलिया। अरे पूरा पूरब तो यहाँ बड़ा, हम तो के पूरब घर में ढूंढ रहल बानी, सब लोगन के पूछ रहल बानी कि पूरब कहाँ बा, पूरब कहाँ, और तू यहाँ पे अपन फैमिली के साथ बड़ा। अच्छा भाई, हम के आप लोग मिल गए नी। आंटी जी कैसन बानी आप? सो गुड टू सी यू। हेलो अंकल। अंकिता, हाउ आर यू स्वीट हार्ट? अब अच्छा भाई कि आप लोग हमके हिजे मिल गए नी। हम फोन कैले रहनी तो सोचनी कि फोन पे का बात करी, जब आप लोग यहाँ पे आ ही रहल बाड़े तो अच्छा से मिल भी ले और बातचीत भी हो जाए। वैसे यू नो व्हाट, आप लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे मिले हैं, भाई भी आप लोगों के बारे में पूछत रहले। चल हम आपके भाई से मिलवावत बानी। लिसन आलिया, हम इनसे बात कर रहल बानी, तू जा, हम लेके आवतानी इनके। पूरा तू तो अपन फैमिली से बात करत ही रहबा, एंगेजमेंट के फंक्शन है तो एंगेजमेंट में तो फैमिली और रिलेटिव्स तो एक दूसरे से मिले ही ना। इनके अभी बाकी लोगन से मिलेगा, तू इनसे बाद में मिल ली है। लिसन, अरे पूरा फिलहाल तो प्रज्ञा के साथ टाइम स्पेंड करा, इनका टेंशन मतलब हम बानी ना, हम इनका बहुत अच्छा से ध्यान रखब। चलिए आंटी जी, हमने कौन चीज के वेट कर रहल बानी। अब अंकिता कम, व्हाट अ लवली साड़ी यू आर वेयरिंग आंटी। अंकिता तू, अरे अंकल आई ना, तू टॉप कहलो तो बताइलू ना। वंडरफुल, माजी आ रहल बानी, आ रहल बानी, जल्दी करी ना, काहे जल्दी मचा रही बिया। माजी हम आपसे कहले रही ना कि प्रज्ञा के फोन ना लग रहल बा, हमके टेंशन हो रहल बा, यही से हम जल्दी पहुंचे जा रहे हैं। ना ना आई, नमस्ते आंटी। अच्छा भाई आप लोग आ गए नी, यू नो हमने सब आपके ही वेट करत रहनी, एंजॉय तो करत रहनी लेकिन मजा ना आवत रहे, पर अब मजा आई। लेकिन एका, आपकी बेटी के एंगेजमेंट और आप ऐसे मुंह लटकाए, ना ना आपके तो ज्यादा खुश होए के चाहिए, बिना खर्चा के बेटी के एंगेजमेंट जे होखे वाला, एंड डोंट वरी बिना खर्चा के शादी भी हो जाए और घर बैठल बैठल घर के मुसीबत के और के घर चल जाए, आपके तो ऐश ही ऐश बा। हमार बेटी के बारे में तो के चिंता करे की कौनो जरूरत ना बा, हम बैठल बानी होकर चिंता करे खातिर, तू अपन चिंता कर। भूला गई लू वो दिन धक्का मार के तो के अपन घर से बाहर निकले रहनी? देखिए एक दिन ई घर वाला भी तो के धक्का मार के ई घर से बाहर निकाल दी है। यू नो आंटी व्हाट, आपके और आपकी बेटी में को सिमिलैरिटी हो और यह की सपना देखेंगे इधर से हम ना, बल्कि आपके बेटी जाए वाला भी ओकर सगाई होकला के बाद हमारा भी से शादी हो जाए और ई घर में हमारा टोली है। यू नो व्हाट, आप सब भी आइए शादी में, पूरा फैमिली सबके शगुन देके भेजो। शगुन तो बाद में दे हा हमके, पहले हमार नसीहत ले ले, हमार बेटी के बराबरी तो तू कर ही ना सकत, और वैसे भी अगर हमार प्रज्ञा के नाम अपन जबान पे ले लू ना तो हर ऊ हाल करब कि ना घर के रहू ना घाट के, ना एक घर के बहू बन पाईबू ना कौनो और घर के।